हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सिमई बनाने का एक तरीका बताने जा रही हूँ, आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। ये पीस देखिए, मैंने ले लिया आधा किलो दूध और मैंने इसको गैस पर उबालने के लिए रख दिया है। और हम इसको थोड़ा सा और बनाना चाहेंगे तो इसमें से हम इतना हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस आधा गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और इसमें उबालने के लिए हम जिस वक्त हम इसको दूध को उबाल रहे होते हैं तो हम इसमें डाल देंगे ये नारियल और छोटी इलायची, ये मैंने इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें देखिए और इसमें साथ ही साथ में डाल दूंगी, मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी और हम दूध को उबालने के लिए रख देंगे और इसमें उबाल आने देंगे और इसको 10-12 मिनट तक हम दूध को पकाएंगे। जब तक मेरे दूध में उबाल आ रहा है और दूध उबल रहा है तो 10-12 मिनट मैं ये करूँगी। मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई पे मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और ये थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है और मैंने ये सिमइयां ले ली हैं। ये सिमइयां मैं इसमें डाल दूंगी मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो समझिए और इसमें से खुशबू आने लगती है तो सब समझिए ये मेरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब ये मेरी बस सिमइयां फ्राई हो चुकी हैं और मेरा दूध भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, उबल चुका है। दूध में उबाल अच्छी तरह से आ चुका है, 10-12 मिनट पक चुका है। मैं गैस बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद मैं इसमें ये सिमइयां दूध में डाल दूँगी और अब हम इसे 5 मिनट के लिए, गैस बंद रहेगा हमारा और अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसमें इसी तरीके से छोड़ देंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको दूध में भिगो करके रखा था सिमइयों को और देखिए किस ज़बरदस्त तरीके से सिमइयां मेरी बन करके बिल्कुल तैयार हुई हैं। एक एक खिली खिली सिमइयां और एक एक खिला खिला इसका खिली खिली सी वो आके आ रही है और ये समझ लीजिए बहुत ही कम टाइम में सिमई मेरी तैयार हो गई है। आप भी इस तरीके से एक बार बना करके देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।